चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। जेडीपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी और साथ ही राजेंद्र जाधव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत विवेक जी आपसे, काफी दिनों से इस मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अब इसमें अपडेट ये है कि निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की, चार से कल हुई थी, एचएलपी विधायक को आज बुलाया। कल की खबर ये है कि कल रणजीत सिंह भी जाने वाले हैं मुलाकात के लिए और नैनपाल रावत बचते हैं, वो भी मुलाकात करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि अपडेट या फीडबैक इस बात को लेकर लिया जा रहा है कि क्या निर्दलीय विधायकों के साथ भी बहुत आसानी से सरकार चल सकती है, खबरों के अनुसार, ऑफिशियली बात नहीं कही गई है। तो जेजेपी इन मुलाकातों को, इन बातों को किस तरह से देख रहे हैं? निर्दलीय विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो निर्दलीय विधायक उस समय भी सरकार के साथ थे जिस समय सरकार बनाई और जिस समय गठबंधन। आज कोई ये नहीं है कि आज ही सरकार के साथ आए, और पहले दिन से अगर हमारी सरकार की संख्या गिनी जाए तो 40 पहले बीजेपी के थे, 10 जेजेपी के थे और 6 निर्दलीय थे। आज 41 बीजेपी के हो गए, 10 जेजेपी के हैं और बाकी निर्दलीय है। इसमें कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। फिर तो सोचने की बात है कि पहले निर्दलीय समर्थन दे नहीं रहे थे और आज निर्दलीय समर्थन दे रहे। सभी विधायक, अभी आपने पूछा सोमवीर सांगवान जी से, आदरणीय हमारे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उनको उनसे आपने पूछा कि जेजेपी किस बात की खिलाफत और किस वो आप कहते हैं कि हाँ नुकसान उठाना पड़ेगा, तो उनका जवाब कुछ असहज सा मुझे लगा कि जेजेपी की खिलाफत है जी, किस कारण खिलाफत है? जेजेपी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, फिर तो इसका मतलब जिस हिसाब से वो कह रहे हैं इसका मतलब तो बीजेपी की बहुत ज्यादा खिलाफत। ये भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आज गठबंधन मजबूती से चल रहा है और किसी की कोई खिलाफत नहीं है, मजबूती से दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, दोनों पार्टियां अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं। मीटिंगों का दौर पहले भी चलता रहा है, पहले भी विधायक मिलते रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी मिलते रहे हैं और सरकार में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स हैं वो भी मिलते रहे हैं। इसमें कोई इतना चर्चा वाला विषय नहीं है, पर कुछ साथियों के लिए, मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और जो कांग्रेसी मित्र हैं उनके भी बयान सुन रहा था, वो भी देख रहा था, और उदय भान जी का भी एक बयान मैंने सुना, कुछ साथियों पे ये है कि हाँ जिस दिन से सरकार बनी है गठबंधन जल्दी टूट जाए। और एक अपने हरियाणवी में कहावत है ज्योति जी, गद्दर की तौल में बेर को नहीं पके करते। गठबंधन मजबूती से चल रहा है। अब तो बयान ये कह रहे हैं विवेक जी, जब विरोधी कहते थे तो हम भी समझते थे इस बात को कि विरोधी तो कहेंगे, उनका काम ही कहना, लेकिन अब तो आपकी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं दोनों, उनके नेता जब भी कहते हैं लगता है बेर पकने का वक्त आ गया। आके नहीं, बेर मैं बता रहा हूँ, बेर नहीं पक रहे। अच्छा, ना पकेंगे इनकी तौल में, बेर नहीं पकेंगे। कौन से बेर हो गए विवेक जी? चले चर्चा को मैं आगे ले जाऊंगी। नहीं पकेंगे आज के दिन, गठबंधन मजबूती से चल रहा है। ओके, बीजेपी को चर्चा में जोड़ते हुए चौहान साहब, ये जो मुलाकात है ये उस वक्त हो रही है जबकि बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी में शिखर पर है कुछ बड़े नेताओं की, और अब जो निर्दलीय विधायक कहते हैं जिसमें सोमवीर सांगवान, नैनपाल रावत की हम बात करें, एचएलपी विधायक गोपाल कांडा की बात करें, रणधीर गोलन की बात करें, बीजेपी क्या मायने इनके निकाल रही है? क्योंकि अब करीब करीब एक साल बचा के लोकसभा चुनाव में, देखिए ये बात शीशे की तरह साफ है कि जब जननायक जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था, उस दिन भी जो निर्दलीय विधायक आज हमारे साथ हैं उसमें से अधिकांश हमारे साथ खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन रखते हुए और हरियाणा की जनता को एक स्थायी, मजबूत, प्रभावी सरकार देने के मकसद के साथ जननायक जनता पार्टी को भी साथ लिया। जननायक जनता पार्टी भी इसी भावना के साथ हमारे साथ आई कि हम सब मिलकर हरियाणा की जनता को 5 साल के लिए एक स्थायी सरकार देंगे। वो सरकार बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। गठबंधन जिस उद्देश्य से किया गया था
अर्थात हरियाणा को एक मजबूत सरकार देना, स्थायी सरकार देना, ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार की के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार बनकर हरियाणा के विकास की गाड़ी को जो है वो पटरी पर सरपट दौड़ाए, उस काम को ये सरकार बखूबी कर रही है। रही बात निर्दलीय विधायकों के हमारे प्रभारी जी से मिलने की बात, तो उस पर सबको एक बात समझनी चाहिए कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिप्लव देव जी के जिम्मे काम है हमारे संगठन की संभाल करना। 90 की 90 विधानसभाओं, 10 की 10 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो बूथ से लेकर के घर घर, घर घर से लेकर के बूथ, विधानसभा, लोकसभा और प्रदेश भर में बहुत प्रभावी ढंग से काम करे। 90 की 90 विधानसभा फिर दोहराऊंगा और 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी तैयारी ऐसी रहे कि हम उन पर चुनाव लड़ सकें, जीत सकें और साथ में जो हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है वो भी केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपना काम ठीक से करती रहे, ये देखना, संभाल करना, ये हमारे प्रभारी जी का काम है। ठीक है, जो निर्दलीय विधायक हैं वे हमारी सरकार का अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं, सरकार में जिम्मेदार हैं, सरकार की ताकत हैं। तो जो लोग, जो निर्दलीय विधायक नरेंद्र मोदी जी के, मनोहर जी के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे साथ खड़े हैं लगातार, उनके साथ हमारा मिलना जुलना, उनको बुलाकर उनकी राय लेना, उनसे फीडबैक लेना, ये उनका दायित्व है, वो बखूबी उसका निर्वहन कर रहे हैं। उनकी राय, उनके फीडबैक को गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि उनकी राय तो सारी हरियाणा के सामने है। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर प्रदेश के संबंध में आने वाली हर कोने से आने वाली फीडबैक को गंभीरता से लेता है, आज भी लेता है, पहले भी लेता था, आगे क्योंकि चुनाव सामने हैं तो और अधिक संजीदगी और गंभीरता से लेंगे। प्रभारी जी के पास हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, उनकी फीडबैक भी है और वे निरंतर केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में भी रहते ही हैं क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा हैं। जी रमन सिंह जी, बार बार बीजेपी जेजेपी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नया नहीं है कि निर्दलियों का साथ बीजेपी के पास हो, लेकिन नया ये जरूर है कि उचाना को लेकर बात हो या सीएम साहब की ओर से कहा जाए कि सरकार बीजेपी की है, या फिर अलग अलग बयानबाजी दोनों ही पक्षों, दोनों ही पार्टियों की ओर से आए। प्लस एक और बात यह कि चुनाव में जाने से पहले भी फाइनल रणनीति तैयार करनी है, करीब 1 साल चुनाव का बचा के, तो क्या इस तरह की मुलाकातों को रूटीन मुलाकात माना जा सकता है, सामान्य माना जा सकता है, जब निर्दलीय विधायक भी मीडिया के सामने खुलकर ये कहें कि जरूरत नहीं जेजेपी की? जेजेपी के साथ आप खुद एक सीनियर हो, सब कुछ समझते हो, ये स्थाई नहीं स्वार्थ का गठबंधन था, जिस गठबंधन के नीचे 2.5 करोड़ हरियाणवियों को लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज, जेल के आज हरियाणा चल रहा है। जेजेपी गठबंधन में नहीं थी, जेजेपी इनके साथ लूट के लाइसेंस लेके हरियाणा के हितों के साथ खेल रही थी और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये गठबंधन एक ठग बंधन है और आज ये जिस चौराहे पे खड़े हैं इनकी बयानबाजी है। और जैसे सांगवान साहब ने कहा कि आसमान में बदल हुए हैं तो बारिश की संभावना है, और चलो ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस पे नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 4 साल में गठबंधन के साथ जो हरियाणा ने झेला है, जिसमें चाहे वो 3 काले कानून थे किसानों के साथ, जब जेजेपी ने पीठ दिखाई, जिसमें कम से कम 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, सरकारी नौकरियों को लेकर 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, जब जेजेपी चुप रही क्योंकि स्वार्थ में थे ये लोग, दान घोटाला हो, पीडब्ल्यूडी घोटाला हो और बिजली के मीटरों के घोटाले हो, माइनिंग घोटाला हो, जेजेपी ने एक बार भी साथ नहीं निकाला क्योंकि वो लोग लालच में इतने ज्यादा डूब गए थे कि उन्होंने 2.5 करोड़ हरियाणवियों के हितों की आवाज का गला दबा दिया। आज आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के बोझ से नीचे गिर गई हैं। आज इन दोनों पार्टियों का ये हाल हो गया है कि ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। बिपुल देव जी के बारे में हरियाणवी में
दुष्यंत चौटाला जी ने क्या कहा और विपुल जी ने क्या कहा वो सब जग जाहिर है, पूरे न्यूज चैनल पे दिखाया गया, सोशल मीडिया में देखा, दुनिया ने देखा। ज्योति जी ने कही है तैयारी करके आया करें, गलत बोल रहे हैं। ऐसा है, आपको मैंने बीच में टोका नहीं है, जग जाहिर है, ज्योति जी भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आज 2 लाख सरकारी पद लगभग खाली पड़े हैं हरियाणा में, जेजेपी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, जेजेपी ने किसानों की बात नहीं उठाई, बीजेपी के पीछे सिर्फ एक लूट के लाइसेंस के बलबूते पे इन्होंने राज किया है। और आज जग जाहिर है कि ये गठबंधन जहां तक लग रहा है बिल्कुल लास्ट सीमा पे खड़ा है, और आने वाला दौर और आने वाला समय इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही अलग तरीके से इनको लेके जाएगा। हरियाणा के लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं, आने वाले दौर में ये जो जमुना पार भेजने वाले थे पता नहीं अब ये इनको यमुना पार भेजेंगे क्या, मतलब समझ से परे था ये सब। सब दिख रहा था कि जेजेपी स्वार्थ में डूबी हुई पार्टी थी, सफाई नहीं थी इनके साथ, और ये बीजेपी ने इनके साथ एक दिन करना ही था। आज ये दोनों पार्टियां ऐसे चौराहे पे खड़ी हैं कि लोकसभा का बाई इलेक्शन है अंबाला में, हमारे जो स्वर्गीय कटारिया जी का देहांत हो गया था, और अब इनको पता है कि जहां पे भी इलेक्शन में जाएंगे मुंह की खाएंगे, इसलिए इन्होंने ये बहाना बना लिया कि हम इस बहाने से ही आपको आप क्या बाद में देखिए नहीं, इससे किसानों पे लाठियां बरसाई गई, क्या नहीं हुआ इस 4 साल में, जेजेपी ने एक बार भी हरियाणा के हितों की आवाज नहीं उठाई, सिर्फ और सिर्फ लालच और स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे लोग। चलिए अभी रेडू साहब को चर्चा में जोड़ते हैं। रेडू जी, कल चूंकि अभय चौटाला का इंटरव्यू भी मैंने किया जिसको हम कल यानी शनिवार को ऑनएयर करने वाले हैं, तो अभय चौटाला ये कहते हैं कि कितना ही बेइज्जत कीजिए जेजेपी को, कितना ही जलील कीजिए, मुख्यमंत्री कुछ भी कहें, पार्टी प्रभारी कुछ भी कहें, लेकिन ये छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक इनको खुद से बीजेपी बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। यहां तक ये भी कहा गया कि दुष्यंत और दिग्विजय पर मुकदमे भी बीजेपी करवाने वाली है। तो क्यों क्यों लगता है अभय चौटाला को और क्यों इनेलो पार्टी को ये लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी कि इन पर मुकदमे होंगे? बात ये है कि मेरी पिछली डेली की डिबेट अगर आप उठा करके देखो कहीं से आपको वीडियो मिले तो मैं हर रोज यही कहता हूं, मैं भी, कि ये गठबंधन नहीं टूटेगा, गठबंधन चलेगा। अच्छा। क्योंकि गठबंधन कोई टूटता है ना ज्योति जी, वो तब टूटता है जब दोनों में स्वाभिमान हो। यदि एक पक्ष इस बात के लिए तैयार हो कि वो उसको कुछ भी कहे, उसको गाली दो, उसको जो है ना ये कहो कि इनकी को सरकार में कोई हिस्सा नहीं, उसको कह दो कि हम इनकी कोई बात नहीं मानते हैं, चाहे इलेक्शन में उनको कोई पूछे ना, बाय इलेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, और तब भी जो व्यक्ति उसके साथ रहता है इतना स्वाभिमान को ठेस पहुंचने के बाद भी, तो फिर कैसे टूटेगा गठबंधन? गठबंधन ये रहेगा, क्योंकि अगर यहां से कोई थोड़ा बहुत स्वाभिमान की बात करें तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से पहले की बात छोड़ करके भी मैं कहूं, जिस प्रकार से विप्लव देव ने कह दिया ना मेरे पेट में दर्द है और ना मुझे दवाई की जरूरत है, और अब लगातार निर्दलीय विधायकों को बुला करके दिल्ली में उनसे मीटिंग की जा रही है, और खुले तौर पर जैसे अभी सोमवीर सांगवान जी को आपने सुनवाया, वो कहते हैं मैं 2006 से भाजपा में हूँ और भाजपा का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, और मैंने खुद कहा कि जेजेपी की हमें आवश्यकता नहीं। गोपाल कांडा ने कह दिया भाई जेजेपी की हमें जरूरत नहीं है। मनोहर लाल जी कहते हैं कि हमें इनकी मानते ही नहीं है। तो फिर भी जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और गठबंधन चलता रहेगा, तो फिर आप कैसे मान लोगे कि गठबंधन टूटेगा? किसी किन्हीं भी शर्तों पर बीजेपी इनको रखना चाहेगी, उन्हीं शर्तों को जब बंदा मान लेगा तो बीजेपी क्यों छोड़ेगी उनको? तो फ्री में कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप लोगों के बयान क्यों नहीं मेल खाते हैं? बड़े चौटाला साहब तो बार बार कहते हैं गठबंधन टूटेगा, मध्यवर्ती चुनाव होंगे कभी, हालांकि निर्दलीय साथ की बीजेपी की वो अलग बात है। अभय चौटाला कहते हैं गठबंधन तब टूटेगा जब इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप ये कहते हैं गठबंधन टूटेगा ही नहीं। हाँ, गठबंधन बिल्कुल गठबंधन टूटेगा नहीं। देखो, गठबंधन टूटने में और बाहर का रास्ता दिखाने में ज्योति जी बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी अगर बाहर का रास्ता दिखा देगी चाहे कितनी भी शर्तें मान लो, फिर भी कहेंगे नहीं हम आपको रखेंगे, तो ये गठबंधन टूटना नहीं, ये घर से निकालने वाली बात है। मैं निकाल दो कभी भी निकाल दो, लेकिन जेजेपी गठबंधन नहीं तोड़ेगी। चौटाला साहब को शुरू में था क्योंकि चौटाला परिवार है, चौटाला का खून है परिवार का, तो ये ज्यादा इतना नहीं सहन कर पाएंगे और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने फेल कर दिया और वो इतना सहन कर गए कि कुछ भी कहो हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे।
ठीक है, तो निकाल कभी दो लेकिन गठबंधन नहीं टूटेगा। दूसरी बात ज्योति जी, ये कहते हैं कि हमने केवल सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, ये पोल भी आज खुल गई है, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था और सरकार हमारी चल रही है। तो इस बात से ये साफ होता है कि दोनों सत्ता के लालची थे, सत्ता के लालच में सर इनको ये शामिल हुए, देश और प्रदेश के हित से इनको कोई लेना मुझे उत्तर देना चाहिए, ये इनके बयानों से यहाँ मुझे उत्तर देना चाहिए, लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए। आएंगे आपके पास एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उनको चर्चा में लेने के बाद आपके पास, लेकिन जल्दी बात कंप्लीट। ज्योति जी, इंजन की लाइफ हरियाणा प्रदेश में 10 साल ही है और 10 साल इनकी हो चुकी है, तो इंजन की लाइफ तो खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, अच्छा देखिए, एक बात भी ये भी सत्य है, हरियाणा प्रदेश में भी एक कहावत है, पेट्रोल डीजल वाला मारेगा तो छाया में गिरेगा। मैं बहुत जल्दी आगे चर्चा को ले जाते हुए, चूंकि चौहान साहब पेट्रोल वाले तो है नहीं, डीजल के इंजन है तो नहीं, इनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। ओके जादव साहब, क्या ये भी एक कहावत है हरियाणा प्रदेश में कि अब जी चलिए अगली बार आप उत्तर पूरा कीजिएगा जादव साहब। नहीं आ रहे सर, अभी आपने काफी विस्तार से बात कह ली। अभी जादव साहब, अब जो हलचल या उठापटक मुलाकात बयानबाजी जारी है, क्या संकेत है इस बात का कि गठबंधन में दरार आ चुकी है और गठबंधन टूटने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? नहीं देखिए, अब ऐसा है कि चुनाव में एक साल ही बाकी रह गया है और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी ने इस तरह का प्रबंध किया था शुरू से ही कि उसने दोनों बैसाखी अपने साथ रखी, एक जेजेपी की बैसाखी और एक निर्दलियों की बैसाखी। तो अब यह है कि दूसरी बैसाखी को अपने तरीके से वो नियंत्रित करना चाहती है, तो दूसरी पहली बैसाखी को नियंत्रित करना चाहती है, तो दूसरी बैसाखी को वो थोक बजा के देख लेना चाहती है कि मजबूत तो है ना, क्योंकि ये उचाना की सीट का जो पैच फंस गया है वो जो है भारतीय जनता पार्टी दोनों लड्डू अपने हाथ पर रखना चाहती है। अभी जेजेपी से के साथ जो वोट जाट वोट बैंक है वो भी अपने साथ रखना चाहती है और चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने साथ रखते हैं वो भी रखना चाहती है, तो उचाना की जो सीट उनको वो देना चाहते हैं प्रेमलता जी को, तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के परिवार को कुछ करना चाहते हैं, उनके पुत्र जो हिसार से सांसद भी है पूरा परिवार ही बीजेपी में बैठा हुआ है और ये अलग दल चला रहे हैं। बीजेपी में शामिल होके कोई अपनी मांग करना और एक सहयोगी दल के रूप में मांग करना या अपनी शर्तें रखना, उन दोनों में बड़ा अंतर है। वो उनको लगता है कि हम जेजेपी को क्यों मजबूत करें और हम जो है हमारी पार्टी में जो नेता शामिल हो गए हैं उनको मजबूत करें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। तो मुझे लगता है कि ये वो चना की सीट का जो पेच फंसा है इसमें ऐसी स्थिति में कहीं जेजेपी अलग जाती है तो निर्दलियों का समर्थन बना रहे तो उससे बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी, अगर मान लो ऐसी कोई बात होती तो जेजेपी कहती कि हम तो गठबंधन तोड़ते हैं, समर्थन वापस लेते हैं और हम तो चौनासी लड़ेंगे और देख लेंगे क्या मुकाबला होता है। नहीं, ये तो देखिए कहा जा चुका है, दिग्विजय हरियाणा न्यूज पे कह चुके हैं गठबंधन रहे ना रहे उचाना से तो दुष्यंत ही लड़ेंगे। दुष्यंत ही कह चुके हैं किसी के पेट में दर्द अगर है तो वो मैं ठीक नहीं कर सकता, वहम अगर किसी को है तो निकाल दें, पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से ऐतिहासिक मार्जिन से जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। अजय चौटाला ही कह चुके हैं कि उचाना को लेकर कोई दावा भी कैसे कर सकता है जब दुष्यंत की इतनी बड़ी जीत थी। नहीं, अब ऐसा है कि उचाना का फैसला तो अभी जब होगा ना, जब टिकटों का एलोकेशन होगा, जब चुनाव की तिथि आ जाएंगी तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तक तो बयानबाजी और जवानी जमा खर्ची है। चलिए चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, इनसे बोलिए चौहान साहब। देखिए, एक तो इस सारे घटनाक्रम को लेकर जिस पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने शुरू कर दिए हैं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा जिससे कांग्रेस जो है वो उछलना शुरू कर दे, कुलांचे मारना शुरू कर दे, ऐसा कुछ घटित होने नहीं जा रहा हरियाणा की राजनीति में। कांग्रेस हर तरह से दुर्गति का शिकार है, कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर हरियाणा की राजनीति में ना राज्य के स्तर पर है ना किसी बूथ के स्तर पर है। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे काबिल प्रवक्ता साथी ने कहा कि गठबंधन तो सत्ता के लालच में किया गया था, राजनीतिक दल मेरे मित्र सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाना लालच नहीं होता, सरकार बनाना
जनादेश के अनुसार सरकार बनाना जनता की सेवा का माध्यम होता है, ये लोभ लालच आपके यहाँ होता होगा क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी परिवार की चलाते रहे हैं। हम तो भारत की जनता के लिए काम करने वाले, भारत माता की जय के नारे के साथ काम करने वाले, राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर काम करने वाले राजनीतिक दल हैं। तो हमने जो सरकार बनाई और सरकार बनाते समय गठबंधन बनाया, मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत शीशे की तरह साफ कर रहा हूं, उस दिन भी हम जेजेपी के बिना सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन जो सरकार बने फ्रैक्चर्ड मैंडेट के आधार पर बनने वाली जो सरकार है वो सरकार स्थायी सरकार हो, मजबूत सरकार हो, 5 साल तक बढ़िया ढंग से काम करे, उसको कोई झटके ना लगे, इस भावना से हमने समान विचारधारा के जो निकटतम दूसरा दल था वो जेजेपी था और उसको अपने साथ लिया। हमने किसी लोभ लालच में नहीं लिया, हमने कदम से कदम मिलाकर, हम हाथ में हाथ डालकर 5 साल हरियाणा की जनता की सेवा करें इस भावना से किया। हम राजनीति इसी भावना से करते हैं। ये राजनीति को लूट का माध्यम मानना, राजनीति को लोभ लालच का जरिया मानना, ये कांग्रेस में, लोकदल में, अन्य दलों में होता होगा, तो अनावश्यक इस तरह की इंटरप्रिटेशन करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, गुंजाइश तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को और कांग्रेस के तमाम सारे नेतृत्व को। वीरेंद्र जी, जी अभी ठीक है, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही, मैं आगे बढ़ूंगी अभी, लेकिन जो घटनाक्रम जिस तरह के है उसी के आधार पर हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी, अभी तो चुनाव भी कोई बहुत पास नहीं है, उचाना को लेकर ये कह दिया जाना कि दीदी चुनाव जीतेंगी, तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत दिए जा रहे हैं, जिन शब्दों का मैं बार बार प्रयोग कर रही हूँ, या फिर आईना दिखाया जा रहा है कि जहां से डिप्टी सीएम विधायक हैं वहां से बीजेपी अभी दावेदारी कर रही है, जबकि अभी क्लियर नहीं हुआ था कि साथ में लड़ेंगे या अलग से लड़ेंगे। ज्योति जी, मैं पहले भी पिछली डिबेट्स में भी यही जवाब दे चुका हूँ, विपिन देव जी प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका एक काम है अपने वर्कर्स को बूस्ट अप कर। अगर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी तमाम मीटिंग्स लेते हैं और अपने वर्कर्स को बूस्ट अप करने का काम करते हैं, और उसी चीज को देखते हुए दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी, 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा की तैयारी अपने अपने लेवल पे कर रही है। गठबंधन चुनाव के समय की बात होती है, चुनाव के समय गठबंधन करना है गठबंधन नहीं करना, ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बैठ के डिसाइड करेंगे। गठबंधन तो बीच में टूटते भी है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट कर लूं अपनी बात, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस मनोबल बढ़ाने में इतनी बड़ी बात तो कह दी गई जेजेपी को कि कोई एहसान नहीं किया था आप लोगों ने समर्थन देकर, आप लोगों को मंत्री बनाया गया, फ्री में समर्थन नहीं दिया गया था, तो ये तो आंख सब कुछ देखकर आंख बंद करने जैसा है ना, इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी गई उसके बाद भी आप लोग। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, एहसान किसी ने किसी पे नहीं किया, एहसान पहले भी ये बात होती थी, किसी ने किसी पे नहीं किया, और मैं जो बात कह रहा था वो आपने बीच में रोकने का काम किया। पहले भी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में बैठ के ये गठबंधन करने का काम किया, और आगे भी जो चुनाव होंगे उस समय भी दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर्स बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। आज ना तो एहसान के लिए सरकार बनाई है, ना ही किसी, जो मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के मेरे साथी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, लाइसेंस ले लिया, लूट का लाइसेंस ले लिया, आपको आदत थी, PLU गैंग आपके पास थी जो आप लूट करते थे, इस कारण आपको सभी लूट के लाइसेंस वाले दिखते हैं, किस तरह भोले वाले किसानों की जमीनें लूटी आपने वो सब ने देखा, किस तरह आपने सोनीपत को सिर्फ फार्म हाउस कोठियां और रिजॉर्ट के लिए बना के रख दिया, वहां पे गठबंधन सरकार ने आज उद्योग लगाने का काम किया, आज विकास की गति दौड़ाने का काम किया, आज गठबंधन सरकार मजबूती से काम कर रही है। लेकिन विवेक जी, बात तो आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब नहीं, ये लूट के जब नहीं, मैं टाइम के हिसाब से बता रही हूँ, जितना टाइम मैं अभी दे पाऊंगी, लूट के हिसाब से अगर बात करें तो ये बीजेपी पर आरोप कम लगते हैं, जेजेपी पर अधिक आरोप लगते हैं, दुष्यंत पर अधिक आरोप लगाए जाते हैं, अब निर्दलीय बार बार ये कह रहे हैं कि गठबंधन में रहने से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है,
ज्योति जी आरोप लगा कौन रहा है, ये तो देखिए आरोप लगा कौन रहा है जिनको फोबिया ही दुष्यंत का है। सोते बैठते दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। अभी मैं इनेलो के साथ ही कुछ सुन रहा था ज्योति जी, बहुत बहुत छोटे मैं अपने बात कंप्लीट करूंगा। यहाँ हमारे सीनियर हैं रेडू साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनका हाल तो ज्योति जी वो है, हमारे गांव में हम रहते थे, गांव में कहना गली में हर एक गली में कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं ढोल किसी के बच्चे, नाचना उन्हों नहीं है। और इसी तरह इनका इनेलो वालों का हाल है, ढोल कहीं बजे नाचना इन्होंने है, बनना बनाना कुछ है नहीं, बस नाचेंगे। बात का कुछ पता नहीं, गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन टूटेगा नहीं। आपने अपने आप ही बताने का काम किया, किस तरह अलग अलग बयान दे रहे आज के दिन गठबंधन मजबूती से चल रहा है। आपकी बात आ गई है विवेक जी, आपको थोड़ा बिल्कुल आ गई है, गठबंधन मजबूती से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। रमन जी बयानबाजी है, बयान आने से बंद नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी चूंकि चौहान साहब माफी के साथ सर मैं अभी चूंकि लास्ट में देखिए सबकी मुझसे शिकायत रहती कि मुझे समय नहीं मिल पाया। रमन जी तो पिछले डिबेट में नाराज भी हुए थे इस बात को लेकर। रमन जी देखिए बयानबाजी बयानबाजी तो लगातार जारी है, बैठक भी लगातार जारी है, निर्दलीय विधायक इस बात का हिंट भी दे रहे हैं कि संकेत दिए जा रहे हैं लगातार कि कुछ तो है जो गठबंधन को लेकर चर्चा के, लेकिन बार बार बीजेपी जेजेपी प्रवक्ता इनकी मजबूरी कह लीजिए या अभी समय नहीं आया कि खुलकर बोलने का, नेता खुलकर बात कर रहे हैं, प्रवक्ता डिफेंड करने में लगे, कवर करने में लगे। ज्योति जी आप एक सीनियर एंकर है, बखूबी समझते हैं गठबंधन की सीमा पर खड़ा है, चलो जाने दो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है लूट के लाइसेंस, हम बिल्कुल फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। जिस मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री दुष्यंत चौटाला जी के पास थी उसमें शराब घोटाला हुआ, जो मिनिस्ट्री दुष्यंत जी के पास थी उसमें पीडब्ल्यूडी के टेंडरों को लेके विधानसभा के पटल पर आवाज बूझी। तो हम एक इफेक्ट दे पाएगा ज्योति, गलत बात करते हैं मेरे को बोलना पड़ेगा। गलत बात आज तक आपके नेता नहीं कोई इफेक्ट दे पाए, आपके नेता ने विधानसभा के पटल पे जब फैक्ट मांगे गए आपके पास कोई फैक्ट नहीं था, आप सिर्फ यहाँ बैठ के बोल सकते हैं, आरोप लगाना आसान है। आप ये तो बताइए आपके पास कोई प्रूफ हो, आपने अपनी बात कही, आपके आपके वक्त में कोई नहीं बोला। अगर गलत बात बोलेंगे ज्योति जी इनको चुप कराइए, क्या शराब घोटाला नहीं हुआ जिसकी जांच तक हुई, अभी आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी में टेंडर घोटाले नहीं हुए, सब जानते हैं, पूरे हरियाणा ने देखा है, जाहिर है। मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ, आज किस चौराहे पे खड़े हैं कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब युवाओं के हितों की बात आई, नौकरियों की बात आई तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जब किसान पीड़ित रहा इतने लंबे आंदोलन चले, ये पार्टी कहती थी हम किसान ही थे, जो रिपीट कर रहे हैं वही बातें लिख के आए हैं, वही बातें रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात हो तो बताइए। ये जब जाहिर है युवाओं के रोजगार के लिए 75% आरक्षण कानून हम लेके आए थे, उसे कोर्ट में ले जाने का काम किसने किया? ज्योति जी आप इनको चुप कराइए एक मिनट, बीच में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पूरे 2.5 करोड़ हरियाणवी देख रहे हैं, एक दो दिन बाद भाई आप नई बात कीजिए, रिपीट ना कीजिए, नई बात नहीं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ विवेक जी। अगर आप इनको बात नहीं करने देंगे तो डिबेट भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं तो ज्योति जी मैं ये कह रहा हूँ, जो पहले बोला था वही रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात तो है देख रहे हैं ना, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं ना, 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे हरियाणा दब गया, ये डबल इंजन की सरकार में ये जो सहयोगी थे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कर्ज हरियाणा पे इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था ज्योति जी, और आज भ्रष्टाचार और खट्टर साहब ने एग्जाम्पल तो दिया ना, मुख्यमंत्री जी ने कि मेरी चद्दर साफ है, अगर उनकी चद्दर साफ है तो दाग किसकी चद्दर पे है? नहीं ये नैनपाल रावत ने कहा, नैनपाल रावत ने कहा, सॉरी मैं इस बात के लिए खेद जताता हूँ, अगर नैनपाल जी ने कहा है तो भी उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा, किसी कोई देखो कोई पार्टी में बयान देता है तो वो उस पार्टी का ही बयान माना जाता है, नहीं वो पार्टी के नहीं है रमन जी, वो निर्दलीय है। अच्छा निर्दलीय, चलो निर्दलीय भी आजकल सही नहीं के साथ बैठ रहे हैं ज्योति जी, समर्थन है उनका, ठीक है समर्थन है ज्योति जी जी अभी ठीक है, अभी वीरेंद्र सिंह जी जरूरत नहीं है, किस तरह के प्रवक्ता डिबेट पे भेजती है कांग्रेस पार्टी उससे स्पष्ट होता है, जिनको यही नहीं पता कौन सा विधायक किस पार्टी से है, निर्दलीय है या आजाद है,
किसने क्या कहा, लोग याद नहीं रहते। देखिए हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है क्या रवैया है, क्या चीजें हैं वो देख रहे हैं। ज्ञान लेके बैठा कीजिए डिबेट पे। आपकी आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ। अभी चलिए इस बहस को आप लोग आप दोनों अभी शांति से सुने, उन प्रवक्ताओं को सुने जो शांति से आप लोगों को सुनते हैं। तरीका तो ये है डिबेट का, आप लोग बार बार चिल्ला चिल्ली करेंगे। नहीं विवेक जी, आज आज आप बीच में बोल रहे हैं विवेक जी बार बार। चौहान साहब देखिए, अब ये चर्चा तो चूंकि है कि साथ मैं सवाल भी आपसे पूछ लूं। मैं पार्टी प्रभारी चूंकि देखिए बड़े नेता हैं, आपसे एक दो बार पहले भी डिबेट हुई और एक चर्चा ये भी थी कि वो लगातार फीडबैक दे रहे हैं गठबंधन को लेकर, उनका इतना मुखर हो जाना, इतना खुलकर बोलना, उसके बाद निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाना, निर्दलीय विधायकों की ओर से मीडिया में साफ साफ कह देना कि जेजेपी की जरूरत नहीं है, तो ये देखिए कनेक्शन तो सारा नजर आ रहा है एक ही दिशा में कि गठबंधन रखे ना रखे इसको लेकर निर्णायक स्थिति आ चुकी है हरियाणा में। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक चीज साफ करना चाहता हूं कि आज गठबंधन के वर्तमान या भविष्य पर कोई आधिकारिक घोषणा या निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने न किया है न उस पर वो विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रभारी जी निरंतर एक एक चीज पर निगाह रखते हैं, फीडबैक रखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी फीडबैक लेते हैं, जो निर्दलीय विधायक हमारे साथ सरकार में है उनसे फीडबैक भी लेते हैं। सब प्रकार का फीडबैक लेना, केंद्रीय नेतृत्व के साथ तो उस पर चर्चा करना ये उनका दायित्व है, वो निरंतरता में करते रहते हैं। आज की तारीख में गठबंधन अपने स्थान पर खड़ा है। गठबंधन कांग्रेस रूपी बिल्ली के भाग्य से टूटने वाला नहीं है और किसी कारण से, मान लीजिए काल्पनिक बात मैं कर रहा हूं, किसी कारण से कांग्रेसियों की ये कल्पना साकार हो जाए या हमारे दूसरे विरोधियों की कि जेजेपी का रास्ता भाजपा से अलग हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये साधारण गणित है, इसमें ये कोई मैं ज्ञान नहीं दे रहा किसी को, ये सरल रेखा की राजनीति है, बिल्कुल साधारण अंक गणित है कि अंक हमारे साथ जेजेपी के बिना पहले भी थे, आज भी हैं और ये कार्यकाल पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। तो कुल मिलाकर ये समझना चाहिए कि चुनावी वर्ष है, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, सब जोरदार ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जेजेपी वाले भी कर रहे होंगे, पर कांग्रेस ही बस इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ झाला हो जाए, वो तो होने वाला नहीं है। इनके अरमान जो है, आखिर में इनको ये कहना पड़ेगा कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम जहां थे वहीं पर खड़े रह गए। इनकी स्थिति तो यही होने वाली है। 2024 में जब हम लोकसभा लड़ने जाएंगे तो 10 कमल खिलाएंगे और 2024 में जब विधानसभा लड़ेंगे तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता की सेवा के लिए आपको काम करती हुई शपथ लेती हुई नजर आएगी। हमारा हमें इस बात का पूरा भरोसा है अपने काम के दम इस बार पर, प्रयास होगा कि प्रयास होगा कि बीजेपी की सरकार नेतृत्व के दम पर इस बार प्रयास ये होगा कि बीजेपी की सरकार को अपने बूते। निश्चित तौर पर भारतीय जनता, हमने 2014 में भी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा था, 2019 में भी स्पष्ट बहुमत लेने के लिए चुनाव लड़ा था, 24 में भी हम इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे कि बहुमत का आंकड़ा हम अपने दम पर पार कर जाएं। लेकिन आपको मैं बता दूं यहां पर ज्योति जी, केंद्र में हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, हम अपने दम पर सरकार केवल भाजपा की बना सकते थे कि नहीं 2019 में, लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा अपने गठबंधन साथियों का सम्मान किया है, वे हमारे साथ हमारी नीतियों हमारे नेतृत्व में हमारे हमारे कार्यक्रमों में विश्वास जताते हुए जब तक जहां तक साथ चलते हैं हम हमेशा हाथ में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आपको नजर आए होंगे, आगे भी दिखेंगे। ठीक है रेणु साहब, हालांकि ये खबरों के आधार पर ही हम बात कर सकते हैं, जब से गठबंधन हुआ तब से खबरें ये थी कि हरियाणा बीजेपी को कतई ये पसंद नहीं कि जेजेपी के साथ चलें, लेकिन दिल्ली से चूंकि जेजेपी के साथ चलने को लेकर गठबंधन को लेकर हरी झंडी थी, फैसला था, तो साथ चलना पड़ा। अब ये समय जबकि चर्चा गठबंधन के भविष्य को लेकर हो रही है, चूंकि सीएम भी बहुत बड़ा बयान दे चुके कि बीजेपी की सरकार के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की ओर से भी बड़ी बात कही गई,
जेजेपी हालांकि डिफेंड करती है, अटैक करने का प्रयास भी करती है, लेकिन एक सीमा में रहकर क्योंकि आज एक जो पार्टी सचिव हैं, इनके दफ्तर सचिव हैं दरअसल रणधीर सिंह, उनका बयान भी सुना कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखा बीजेपी ने तो मोदी सरकार नहीं बन पाएगी या मोदी प्रधानमंत्री फिर से नहीं बन पाएंगे। तो क्या लगता है कि जेजेपी कहीं ना कहीं बचकर चलने का प्रयास कर रही है, जब तक बचा जा सकता है कुछ भी बड़ा पलटवार करने से? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये टोटली डिफेंसिव मूड में चली हुई है, ऑफेंसिव नहीं है। जिस प्रकार से विप्लव देव के बयान के बाद, और मैं अपने साथी को ये भी बताना चाहूंगा कि जेजेपी के हर जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो सारी बाई नेम मुझे जानती है और मोस्टली मेरे घर पर भी आई हुई है जब इनेलो के समय में, चाहे निशान सिंह जी हो चाहे केसी बांगड़ जी हो, सब मेरे घर में आए हुए हैं। ठीक है जी, मेरे घर सभी ने भोजन भी ग्रहण किया हुआ है, सब जानते हैं मेरे को, बाई नेम जाकर के पूछ भी लेना आप चाहिए से। पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा कि इनका गठबंधन टूटेगा, और ये रिकॉर्ड मैं जरूर रखना ज्योति जी, मैं आज भी कहता हूं कि गठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि गठबंधन टूटता तो डिफेंसिव मोड में कभी गठबंधन नहीं टूटता। अब कल परसों निशान सिंह जी का बयान आया हुआ था, उन्होंने क्या कहा कि सरकार को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, प्रभारी जी को ये बयान अच्छे नहीं है। उन्होंने वहां भी देखो कितना बड़ा डिफेंसिव तरीका अपना है। केसी बांगड़ जी का बयान मैंने पढ़ा अखबार में और मैं हैरान हो गया कि केसी बांगड़ जी भी सफाई दे रहे हैं वहां पर, और मतलब 200% डिफेंसिव मूड की बात कर रहे हैं, जरा सी भी एक बात ये नहीं कह रहे कि भाई हम यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात देखिए, एक जो पार्टी के सुप्रीमो है उन्हीं की टिकट के लाले पड़ गए, जो व्यक्ति 90 टिकट बांटने वाला व्यक्ति है और उन्हीं की टिकट के ऊपर इन्होंने झगड़ा झो दिया है और फिर भी डिफेंसिव मूड अपनाया जा रहा है, तो किस प्रकार से गठबंधन टूट जाएगा? मैं नहीं मानता कि गठबंधन टूटेगा, क्योंकि डिफेंसिव व्यक्ति कभी गठबंधन नहीं तोड़ा करता, वो झुका करता है। बीजेपी बड़ी पार्टी, बड़ी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी को अगर नहीं रखना होगा तो नहीं रखेगी, उसमें जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। हाँ, वो मैंने कह दिया ना, देखिए अब लड़ाई ज्योति जी क्या चल रही है, जेजेपी कहीं चाहती है कि हमारे को निकाल दिया, ये एक प्रचार दे के हमारे को निकाल दिया, और बीजेपी चाहती है कि वो हमें छोड़ करके चले गई। हाँ, बीजेपी ने पूरे तरीके अपना रखे कि ये छोड़ करके चले जाएं। ठीक है, ये एक बड़ी बात आप बीजेपी का एटीट्यूड का समझिए आप। ठीक है, हाँ, बीजेपी का एटीट्यूड 100% ये कि छोड़ करके चले जाए, और जेजेपी चाहते कि हमें निकाल दे जी। ये लड़ाई अभी आज के दिन की चली हुई है, जहाँ तक मेरा विश्लेषण है। अभी जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे चूंकि अब गठबंधन रहे ना रहे इसको लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, तो बहुत सारे लोग ही मानते हैं कि जेजेपी चाहती है कि अगर गठबंधन टूटे तो बीजेपी फैसला ले, बीजेपी चाहती है राहें अलग हो तो जेजेपी इसमें चेहरा बने, कि जेजेपी की ओर से ये फैसला लिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर हम क्यों चाहेंगे कि हम गठजोड़ या गठबंधन टूटने की वजह बने? हाँ, हम हरियाणा की जनता के हित में बेहतरीन सरकार दे रहे हैं, उस सरकार को चलाए रखना चाहते हैं, हमारी ओर से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक मुझे ना इनेलो प्रवक्ता ने जो पिन चुभाने की कोशिश की है जेजेपी को, उसका उत्तर हालांकि उनकी तरफ से आना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक उत्तर आ रहा है, सरल सा उत्तर है, वो ये है ज्योति जी कि अगर दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ना हुआ 2024 का, तभी तो उचाणा की सीट की टिकट का झगड़ा पैदा होगा, तो उस सूरत में क्या जेजेपी को वो सीट नहीं मिलेगी? ऐसा कैसे सोच लिया इन्होंने, ऐसी कल्पना कैसे कर ली? मतलब सरल सी बात, पार्टी प्रभारी के बयान से हुआ ना चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूं, साहब को तो सुन लेते हैं, पार्टी प्रभारी को नहीं सुना क्या? ना वो बयान देते ना ये चर्चा की नौबत आती। मैं भाई एक एक आप नहीं सुन रही, आप सुनिए तो सही, ये निर्णय मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल उस दिन तय होगा जब चुनाव में गठबंधन का प्रश्न आएगा। गठबंधन का प्रश्न आने तक प्रभारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम 90 की 90 की तैयारी कर रहे हैं, इनको किसी ने रोका नहीं 90 की तैयारी करने से जी। लेकिन जिनको टिकट देनी नहीं गठबंधन में हमारे साथ बैठना नहीं, मैं कहता हूं क्यों फैसला कर रहे हैं कि प्रभारी ने कही है बना दिया, आपके नेताओं के बयान ही मौका दे रहे हैं चौहान साहब। केवल मेरे प्रभारी ने बिल्कुल साफ कहा है, आपके नेताओं के, आप तो हमारे प्रभारी ने बिल्कुल साफ कहा है जी।
आपके पार्टी प्रभारी या फिर मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो हमारे प्रभारी जी ने उस बयान ने तो हरियाणा की राजनीति या गठबंधन की भविष्य को लेकर अस्तित्व को लेकर नई दिशा दी, नई दिशा देने का काम किया। सर माफी के साथ, आगे समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमने हमारे किसी भी नेता ने, हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय कर चुके हैं, वो निर्णय चुनाव के समय होगा। तो फिर इधर उधर के सवालों में क्यों उलझ रहे हैं सब लोग? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कहा गया। वो जब चुनाव आएगा हम तय करेंगे कि सही समय आने तक सभी बातें साफ नहीं कही जाती। पार्टी की तरफ से बहुत सी बातों की संभावनाएं, अटकलें, कयास, चर्चाएं और संकेत भी मिलते हैं जो कि वर्तमान में हो रहा है। 90 सीटों पर, ठीक है सर, आप 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी भी 90 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन अब जो मुलाकात है उनके मायने क्या है उसे लेकर हमने चर्चा की। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो निर्दलियों से मुलाकात का दौर जारी है, कल रणजीत सिंह भी मुलाकात करने वाले हैं, नैनपाल रावत भी मुलाकात करने वाले हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ गठबंधन को लेकर फैसला निकलकर सामने आता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।